हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे विलेज स्टॉर्म, आंधियां कैसे करके बनाना है आंधी को वाटर कलर से। और ये वाटर कलर वेट एंड वेट है, तो ज़रूर देखें। और आप लोगों को पसंद भी आएगा शायद, पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले सादा पानी से पूरे पेपर को हल्के से भिंगो लेंगे। पानी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, जस्ट पेपर वेट होना चाहिए। ज़्यादा भी होगा तो वो फिर अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर मैंने अल्ट्रामरीन ब्लू के साथ थोड़ा सा क्रिम्सन रेड मिक्स किया है, जरा सा। चूँकि मेरा आज का पेंटिंग वेट एंड वेट में ही है, तो पानी रहते रहते हमको हर काम करना है। इसमें मैं प्रशियन ब्लू का यूज़ किया। बगल में आप रेफरेंस पिक्चर भी देख सकते हैं, ये आउटपुट है, ये फाइनल ड्राइंग है। ये मैं अभी प्रशियन ब्लू का यूज किया। और जो ब्रश मैं यूज कर रहा हूं ये मॉप ब्रश है। यहाँ पर थोड़ा सा डार्क यूज किया मैंने। हाँ, पूरे पेंटिंग को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने पहले प्लेन वाटर दिया। उसके बाद प्रशियन ब्लू हल्का रेड के साथ, क्रिम्सन रेड के साथ। Thank you.
ब्लू का मात्रा इसमें ज़्यादा है, रेड 10% ही है। और ये मैंने वेट एंड वेट में ही काम कर रहा हूँ, इसलिए पानी भरपूर मात्रा में लेनी है। यहाँ पर एक कोकोनट ट्री बना रहा हूँ, तो उसमें पहले मैंने कलर डाला, फिर उसके बाद वाटर से उसको कोकोनट ट्री के जो पत्ते हैं उसको धीरे धीरे बनाना है। और यहाँ पे वेट एंड वेट में ही मैं खिड़कियाँ बना दे रहा हूँ। ये पोर्शन हमारा ड्राई हो गया है क्योंकि यहाँ पर कुछ फाइन लाइंस बनाने हैं, इसीलिए ड्राई होने के बाद ही बनाना बेटर है, उससे क्लियरिटी अच्छा होगा। यहाँ जो भी मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ, ये प्रोशियन ब्लू के साथ थोड़ा सा जरा सा क्रिम्सन रेड मिक्स किया हुआ है। और ये नाइट का सीन है, यहाँ पर मैं वेट में ही नाखून से थोड़ा सा स्क्रैच कर दे रहा हूँ खिड़की का रॉड वगैरह बनाने के लिए। आप ब्रश के पीछे का भी यूज़ कर सकते हैं, जो लकड़ी रहता है ब्रश के पीछे वाला, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग जो भी देख रहे हैं इसको घर में जरूर प्रैक्टिस करते रहिए,
और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो ज़रूर हमसे शेयर कीजिए, मैं ज़रूर उसका सॉल्व करूँगा, आप लोगों को उत्तर दूँगा। चूँकि स्ट्रॉम है, सब पत्ते लेफ्ट साइड में झुके हुए हैं, आंधी जब चलती है, हवाएं चलती हैं, तो वो एक तरफ हर पेड़ को एक तरफ धकेल देता है, तो एक तरफ ही पत्ते बनाने हैं सबके। मैं लेफ्ट तरफ बनाया हूं, तो आप भी, आप जिधर राइट साइड बनाना चाहे तो सब पेड़ राइट साइड के ही बनेंगे, अगर लेफ्ट बनाना है तो सब पेड़ लेफ्ट साइड के ही बनेंगे। ये जो ब्रश मैं यूज कर रहा हूँ रफाइल का ब्रश है, इसमें पानी ठहरने की क्षमता बहुत ज्यादा है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी दे लिया, ये पेड़ थोड़ा पीछे है इसीलिए ये थोड़ा सा धुंधला है। पर मैंने थोड़ा सा ब्लू के साथ, प्रशियन ब्लू के साथ रेड मिक्स किया, और नीचे में मैंने प्योर प्रशियन ब्लू ही यूज़ किया। थोड़ा सा और मैं डार्क टोन का यूज कर रहा हूँ, ब्लू और रेड ग्रासेस में। और यहाँ वेट एंड वेट में ही मैंने थोड़ा सा डार्क कलर दे दिया। और ये जो मैंने पेपर यूज़ किया है, ये बाप कार्ट्रिज पेपर इसको बोलते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इसका नाम, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं। और ये जो लोग न्यू वाटर कलर सीख रहे हैं, ये पेपर उसके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कम कॉस्ट का है और अच्छा पानी कैरी करता है, आप इसमें डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैं ग्रासेस बना रहा हूँ,
इसमें थोड़ा सा मैंने डार्क कलर का यूज़ किया था ग्रासेस में, वो था आपका रेडियंट ग्रीन के साथ क्रिम्सन रेड और थोड़ा सा प्रशियन ब्लू। नारियल के पेड़ के लाइंस बहुत ज़्यादा मोटे नहीं देंगे। हम लोग ये गलती बार बार करते हैं कि पत्ते के हिसाब से लाइन देने हैं। हम लोग मोटे मोटे दे देते हैं, फिर बहुत ही खराब लगता है। ये स्पेशली बिगनर्स के लिए बोला जा रहा है, जो काम अभी नया नया शुरू किए हैं। आप चाहें तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में हम अपना रेफरेंस पिक्चर के साथ आपकी पेंटिंग्स आप उनसे शेयर करते हैं, उसका रिव्यू करते हैं हम, फिर जो प्रॉब्लम्स है फिर वो फिर सॉर्ट आउट किया जाता है। उससे क्या हमारे साथ आप हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। मेरी व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रॉलिंग में चल रही है, आप अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर वीडियो देख के करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ दूर के जो पेड़ है थोड़ा सा लाइट है और सामने वाला थोड़ा डार्क है। ये दो पेड़ है जो मैंने दो लाइन खींचे हैं, इसके पत्ते नहीं दिख रहे हैं, ये बहुत ऊपर में है, बस उसका तना दिख रहा है। पर आप मैंने थोड़ा सा डार्क कलर भी लिया है। डार्क कलर बनाने के लिए क्रिम्सन रेड के साथ वेरिडियन ग्रीन और हल्का सा प्रशियन ब्लू यूज कर सकते हैं।
जब भी वेट एंड वेट में काम करें पानी भरपूर मात्रा में यूज करें। यहाँ मैंने थोड़ा सा डार्क कलर का यूज किया है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वाटर से स्प्रे कर दिया। स्प्रे बोतल आते हैं ना, तो छोटी से मैंने एक स्प्रे बोतल लेके रखी है, उसी से मैं स्प्रे कर दिया। वो बहुत काम में आता है। आप अपने साथ ये इक्विपमेंट्स जरूर रखिए। अभी मैंने वही स्प्रे से यूज किया, डार्क कलर दिया और फिर उस पर स्प्रे कर दिया, तो वो पानी और कलर वो नीचे तरफ आ जाते हैं। और ये मैंने बोर्ड को 30-40 डिग्री के एंगल में रखा है ताकि पानी नीचे तरफ आ जाए। वाटर कलर में फ्लो के साथ काम करना है, वाटर का फ्लो को समझना होगा। पीछे का जो पेड़ है उसके छोटे छोटे लाइंस को क्लियर कर रहा हूं, यहां ध्यान से देखिएगा। थोड़ी लाइट की वजह से यहाँ चमक गई है। आप लोग पेंटिंग को एंजॉय कीजिए और कोशिश कीजिए डेली बनाने का कुछ ना कुछ, चाहे वाटर कलर हो चाहे कुछ भी हो। आप अगर पेंसिल शेडिंग भी बनाते हैं तो कम से कम कुछ बनाइए, इससे आपके इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी होता है।
टोटल पेंटिंग में मैक्सिमम ब्लू का ही यूज हुआ है। ये कॉर्नर वगैरह जब सूख गया है तब मैं थोड़ा थोड़ा इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। छोटे छोटे ग्रासेस को बनाना है। ये राइट साइड तो अभी पूरा सूख गया है, पूरा ड्राई है, आपको उसी में बनाना है। कलर का यूज करने के बाद वो स्प्रे कर दिया तो वो पूरा पानी नीचे चला गया और एक सुंदर सा ब्लेंडिंग हो गया वहां पर। और यहाँ पर मैं नाखून से थोड़े थोड़े क्रॉसेस बना दे रहा हूँ स्क्रैच करके। आप चाहे तो ब्रश के पीछे से ही बना सकते हैं। ये मैं जो ट्रीज है ठीक उसके नीचे से बना रहा हूँ ताकि ये पता चले कि वही ट्री का ही तना यहाँ पर दिख रहा है। बंद हो जा जाओ जाओ तातड़ 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 किसी को ड्राई हो गया है। इसके बाद हमने यहाँ पर छोटे छोटे लाइंस बना दिए हैं पत्ते पे। आपको पेंटिंग पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर करना भूलें और दूसरे लोगों तक भी पहुँचेंगे। इससे हमारे काम में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और हम भी कुछ नया नया करने का सोचते हैं। अपने कुछ कमेंट्स हमको कुछ नया करने को प्रेरित करते हैं। आप जब प्रश्न पूछते हैं उस हिसाब से हम नेक्स्ट ड्रॉइंग में उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। मार खाई नहीं। ये फाइनल पेंटिंग है। देख सकते हैं ये फाइनल पेंटिंग।
ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए